तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आप कुछ ऑब्जर्व करते हो जिससे आप प्रोसीड करो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पार्ट है उसका सीधे डेरिवेटिव है, 2x² का आपका डेरिवेटिव 4x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और -3 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये आपका इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, एक ही ऑब्जर्वेशन में आपका आ जाता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से वर्क करने पड़ते हैं इनको। खैर, अब कुछ क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसे हमने क्या कर लिया, कुछ स्क्वायर रूट हटाना है हमें, तो टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया। लेट अब ये हो जाएगा आपका 4x + 1 dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करें हम, तो जो आपका है 2t dt न्यूमरेटर हो गया और नीचे हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब टी आ गया, टी टी कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 2 आपका बाहर आ गया dt, और ये एक तरह से 1 dt है, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। लेकिन टी हमारा डमी वेरिएबल है तो हमें ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर देना पड़ेगा। टी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इट कुड बी रिटेन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + x - 3 + इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।